कंटिन्यूएशन ऑफ पेज नंबर 2. द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. यहाँ पे और एक डिफाइन दिया आपको कि प्लेस पीपल थिंग्स और नेचर और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमें सराउंडेड होते हैं उसे हम एनवायरनमेंट बोलते हैं. एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना का कॉम्बिनेशन है. नेचुरल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें, बायोटिक और अबायोटिक. ये दोनों ही वर्ड का डिफाइन आपको इस बुक में लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है. बायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल उसको मैं बायोटिक एनवायरनमेंट बोलूँगी. अबायोटिक, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड. जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स से रिलेटेड है जैसे कि लैंड, वो अबायोटिक एनवायरनमेंट कहता है. तो हमारे अर्थ पे ये दोनों ही एलिमेंट्स बायोटिक अबायोटिक एग्जिस्ट करते हैं. इसी चैप्टर का पेज नंबर 3, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे फर्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट है. मैं आप फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूँगी. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचर से जो मुझे मिला है. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class, that is standard 6. Let us learn some more fact about this domains. इसी book में left hand side पे यहाँ पे tick कर दो. Objective में आ सकता है word origin. Environment, जो French word है environer, meaning हमारा neighborhood. अब मैं एक एक करके सारे डोमेन्स आपको एक्सप्लेन करूँगी. सबसे पहले लिथोस्फियर. लिथोस्फियर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और अ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लो. सबसे पहला हमारा डोमेन है लिथोस्फियर. लिथो मीन्स हार्ड रॉक, सॉलिड क्रस्ट लैंड एंड स्फियर. सॉलिड क्रस्ट और जो हार्ड टॉप लेयर हमारे अर्थ के ऊपर है उसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं. वो रॉक और मिनरल से बना हुआ है और एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर है. उसके सरफेस यानी टोपोग्राफी अलग अलग होते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेटूस, प्लेन्स और वैलीज. और वो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें भी हमें पाए जाते हैं लैंडफॉर्म्स और हमारे ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं. लिथोस्फेयर इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. ये जो डोमेन है लिथोस्फेयर वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है कैटल के लिए, ग्रेजिंग के लिए, हमारे लिए एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रोवाइड करता है और हम ह्यूमन बींग्स के लिए ड्वेलिंग्स यानी सेटलमेंट्स प्रोवाइड करता है. प्लस उसके पास काफ़ी मिनरल वेल्थ है. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखेगा डोमेन्स ऑफ अर्थ का, यानी ये सारे डोमेन्स हैं. ये भी आप टिक कर लो, ये आपको डायग्राम आते हैं. लिथोस्फियर हमारा डोमेन बताया है, हाइड्रोस्फियर बताया है, एटमॉस्फियर बताया है और जो तीनों का कॉम्बिनेशन है बायोस्फियर बताया है. इसी पेज का लास्ट पैराग्राफ, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू अ हाइड्रोस्फियर. इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक्स, सीज, ओशन एक्सेट्रा. इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो वाटर से रिलेटेड डोमेन है उसे मैं हाइड्रोस्फियर बोलूँगी. उसमें अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर है, अलग अलग वाटर बॉडीज़ है जैसे रिवर, लेक यानी कि मुझे कहाँ से वाटर मिलता है, सी, ओशन एक्सेट्रा. और ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है. अब हमारा थर्ड डोमेन और इस पेज के लास्ट पैराग्राफ, एटमॉस्फियर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फियर जो हमारे थिन लेयर ऑफ द एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फियर अराउंड इट. और ये जो एटमॉस्फियर है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ में होल्ड करता है.